गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बजे है और अभी हम हैं भमरिया लेक पर। और जैसे कि आपने हमारा कल का वीडियो देखा ही होगा जिसमें रात में यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर इंडिया बाय रोड में। और चलिए डे टू का वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो भमरिया लेक है ये देव रिजर्वायर का ही एक भाग है और ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो यहाँ पर बना हुआ है। और ये है यहाँ का खूबसूरत सनराइज़। और यहाँ पे आसपास में भी काफ़ी सारे इको टूरिज़म स्पॉट्स है, लेकिन यहाँ पर आज तक कैंपिंग किसी ने नहीं किया है, तो हम लोग पहले हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंपिंग किया है। और ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। और ये कुछ नज़ारा है हमारी कैंप साइट का। और अभी एक एक करके सभी लोग उठने लगे हैं, धीरे धीरे सबका गुड मॉर्निंग हो रहा है। सुबह सुबह पंछियों की चहचहाट काफ़ी वातावरण में मधुरता घोल देती है। ये सागर भाई का कार कैंपिंग का सेटअप है जो कल रात को मैंने आपको दिखाया था। और ये सामने की तरफ राहुल भाई का सेटअप है, उनका भी कार कैंपिंग का ही सेटअप है, वो भी कार में ही कैंपिंग करते हैं। और ये कुछ 360 डिग्री व्यू है आपके लिए इस कैंप साइट का, जिससे आपको पता चले कि ये लोकेशन कैसी है। आप यहाँ पर आना चाहो तो इसकी गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहीं तब देखा कि प्रसन्नजीत भाई के घर से सबके लिए सुबह सुबह केक आ गया था। क्रेडिट गोज टू मैम फॉर दिस वंडरफुल केक। थैंक यू के कैंपिंग में बहुत सारे फैमिली के साथ आने का यही फायदा है कि कुछ ना कुछ सबके हाथ का अलग अलग स्वाद खाने मिलता है। तो वो भी यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चाय बन रही है। अभी केक खाने के बाद में चाय की बारी है। तो अभी सुमित भाई ने अपना बिस्तरा पोटला समेट लिया है और बिल्डिंग बना था। और देख रहे हैं आप, ये पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। तो अगर आप भी ये बड़ा वाला जंबो टेंट लेने के पहले सोच लो कि इतना पसीना बहाने की अगर आपकी तैयारी हो। पसीना नहीं, आप इसमें फिट रहोगे। जो लोग अभी अनफिट है खा पी के, वो ऐसा टेंट ले लो, आप फिट रहोगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी और नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेने के बाद से एक बार भी डॉक्टर का विजिट नहीं किया। वाह वाह वाह, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान मिला है आज के वीडियो में। और अभी एक बाजू में और एक टेंट भी है, हाँ वो भी अभी समेटने का समय हो गया है, डॉक्टर के पास नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना भी टेंट समेट लेता हूँ ताकि हम भी पैकअप करके यहाँ से निकल सके। तो मित्रों, फाइनली हम सबका पैकअप हो गया है, सब बैठ गए अपनी गाड़ी में वापस से। गांव उजड़ गया है हमारा, कल जो बसा हुआ गांव था अब फिर से उजड़ गया है। और अभी फिर से कहीं गांव बसाएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी आज का वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जांबूघोड़ा, जहाँ पे जंगल में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और माना जाता है कि वो महाभारत के समय का मंदिर है। तो अभी चलिए आपसे मिलते हैं जांबूघोड़ा में। और तब तक ये जो लोकेशन है इसे आप नोट करके रखिएगा। यहाँ का आपको पूरा जो लोकेशन का जो डिटेल है वो आपको गूगल मैप का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है कैंपिंग के लिए। यहाँ पे एक्चुअली बोटिंग का भी कुछ प्लानिंग है, अगर देखते कोई नाव चलाने वाला होगा तो भी बोटिंग भी करेंगे यहाँ पे। हालांकि अभी तो 8:30 बजे है, लेकिन धूप बहुत बढ़ गई है तो इसीलिए अभी पसीने छूटने लग गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कोई भी कचरा नहीं फैलाया हुआ है, सारा कचरा हम अपना साथ में लेके जा रहे हैं। तो आप भी अगर कहीं पर जा रहे हो कैंपिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैंपिंग कीजिए,
अपना कचरा अपने साथ में लेके जाइए। हाँ हाँ आप हो, हम आपके साथ आए, बड़ा मजा आया। क्या आपने मजा किया, शाम को हमको एकदम बढ़िया बढ़िया खिलाया। यस यस यस, हर बार आप जाओ हमको एक ही फोन करो बस। यस यस, आ जाएंगे। और वहीं दोस्तों, अभी हम निकल चुके थे हमारे अगले सफ़र की ओर, और अभी हम जा रहे थे जांबूघोड़ा। तो वहीं रास्ते में हमने देखा तो यहाँ पर ये कुछ ताड़ के झाड़ थे, और यहाँ पे ये गांव वाले उसका एक जो रस निकलता है वो बेचते हैं। वैसे ये जो रस होता है, अगर इसको दोपहर को पिया जाए तो ये नशीला हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खमीर चढ़ जाता है, फर्मेंटेशन होता है। इसे ताड़ी कहते हैं, और साउथ में भी इसे तौड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर सुबह सुबह पियेंगे तो इसे नीरा के नाम से जाना जाता है, और ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये नेचुरल ड्रिंक ट्राई करें। तो हमारी सारी फैमिलीज यहाँ पे रुक गई थी, और सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिंक ट्राई कर रहे थे। और सुबह सुबह ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हालाँकि ये भी थोड़ा सा खट्टा हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो सब ने थोड़ा थोड़ा सा ट्राई किया। और अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे दोस्तों जांबूघोड़ा। और जांबूघोड़ा से जो एक रास्ता है ये राइट साइड में अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पे एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। और ये जैसे ही हम राइट साइड में टर्न लेते हैं तो ये जांबूघोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ ये रास्ता जाता है, और यहीं पर अंदर की तरफ जंड हनुमान मंदिर स्थित है। और अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर इस पेट्रोल पंप से जो जंड हनुमान मंदिर है ये करीबन 10 किलोमीटर अंदर है, और हमारी जो लेक थी भमरिया लेक वहाँ से इसकी दूरी करीबन 39 किलोमीटर की है। तो आप अंदाजे से 40 किलोमीटर पकड़ के चल सकते हो। और अभी ये जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा बन गया है दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है जब भी कुछ सालों पहले मैं यहाँ पर आया था तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब था, मतलब पूरा पथरीला रास्ता था, तो यहाँ से गाड़ी लेके जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ये पूरा स्टार्ट से एंड तक काफ़ी अच्छा सा रास्ता बन गया है। और यह जो आपको सामने गेट दिख रहा है ये इस परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर भी एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है। त्योहारों के समय जब यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है तो आपको अपना वाहन यहीं पे पार्क करना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई समय नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी अंदर तक लेके जा सकते हैं। अंदर भी है पार्किंग की व्यवस्था, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसे ये आपको इस तरह से हट्स दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि आप मुख्य परिसर में पहुंच गए हो। और यहीं पे ये पूरा राइट साइड में जो है ये पार्किंग का एरिया है, तो हमने यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। तो ये यहाँ का पूरा पार्किंग है, और हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई है। अभी एक जन रह गए तो उसी के लिए वेट करें। यहाँ पर सामने इस तरह से चाय नाश्ते के स्टॉल्स भी बने हुए हैं, और वहाँ पर ऊपर पहाड़ पे मंदिर है, छोटा सा मंदिर, छोटा है लेकिन मूर्ति बहुत बड़ी है। और यहाँ पर इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, माना जाता है कि यह जो मंदिर है ये पांडवकालीन है, क्योंकि जब पांडव वनवास के समय में थे तभी वो यहाँ पर भी उन्होंने अपना कुछ समय व्यतीत किया था। और इसके पीछे कहानी भी मानी जाती है कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये स्वयं भीम ने अपने हाथों से बनाई थी। और उसके पीछे का एक प्रसंग है जो आपको सभी को पता होगा कि एक बार जब हनुमान जी ने भीम की परीक्षा ली थी, क्योंकि भीम को अपनी शक्ति का काफ़ी अभिमान हो गया था, तो रास्ते में अपनी पूंछ लंबी करके बैठ गए थे, और भीम वहां से गुजर रहा था और उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी पूंछ हटा लो, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने हाथों से ही उठा के इसे रख दो। और भीम जब उसे उठाकर साइड में नहीं रख पाए तो उन्हें पता चला कि ये हनुमान जी है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और उसी प्रसंग के बाद उन्होंने उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर माना जाता है कि यह मूर्ति बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर इस दिव्य धाम के दर्शन करते हैं। और ये यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल नीचे उतार दिए हैं, और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर की तरफ जाना होता है। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है तो आपको इतना कोई चलने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हो तो शायद उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने का ये सिर्फ एक ही रास्ता है।
और साथ ही साथ जब हमारी नज़र गई कि यहाँ पे साइड में कुछ ऐसी पुरानी खंडित मूर्तियाँ रखी हुई थी और ये काफ़ी पुरातन समय की मूर्तियाँ थी, तो उससे हमें पता भी चलता है कि ये मंदिर कितना पुराना होगा, क्योंकि ये सारे पुरातन काल के अवशेष है। और लीजिए दोस्तों, वहीं हम कुछ ही देर में अभी पहुंच रहे हैं यहाँ के ये मुख्य मंदिर की तरफ, जो थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। और प्रवेश करते ही हमें सामने एक बड़ी सी गदा नज़र आ गई। और सबसे पहले यहाँ पर आपको श्री राम, माता जानकी एवं लक्ष्मण की मूर्तियाँ नज़र आ जाती है। और यहाँ पर ये छोटा सा परिसर है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों के खड़े रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र इस मूर्ति पर पड़ी दोस्तों, ये बहुत ही विशाल मूर्ति है। ये करीबन 21 फुट ऊंची प्रतिमा है और इस मूर्ति के पैरों के नीचे शनि को दबा के रखा गया है। तो माना जाता है कि जिस किसी को भी यहाँ पे शनि की बाधा हो, तो वो यहाँ पर अगर इनके पैर पर तेल चढ़ाए तो उन्हें जो शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर तेल चढ़ाने के लिए भी एक अलग ही व्यवस्था है। यहाँ पर ये इस तरह से एक इन्होंने पूरा मतलब पैसेज बनाया हुआ है जहाँ पर आपको अपना तेल डालना होता है, और आगे वो बिल्कुल हनुमान जी के पैर पर जाके वो तेल गिरता है। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे, ताकि मंदिर में मूर्ति की तरफ कोई भीड़ ना हो जाए। और लीजिए दोस्तों, अभी हम आ गए यहाँ से नीचे की तरफ, और ये जो रास्ता है ये अभी मंदिर के पीछे जाता है, और यहाँ पर एक इनके ट्रस्ट का ऑफिस स्थित है। और यहाँ से आप अपने परिवारजनों या मित्रों के लिए सुखड़ी का प्रसाद भी खरीद सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को सुखड़ी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले साड़ंगपुर धाम के वीडियो में बता ही दिया था। और उसके अलावा यहाँ पे यात्रियों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था है। और वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर ये सामने एक प्राचीन शिव मंदिर आ जाता है। दरअसल पिछली बार जब हम आए थे तो इस मंदिर की अवस्था बहुत ही ख़राब थी। आप जैसे इस स्लाइड में देख सकते हो कि ये हालत इतनी ख़राब थी कि ऐसे लग रहा था कि ये कभी भी गिर पड़ेगा, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करके इसे काफ़ी भव्य बना दिया है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और इसे देखते ही समझ में आ जाता है कि कितना प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इस पे जो नक्काशी काम किया गया है वो काफ़ी बारीकी से और खूबसूरती से किया गया है। और वहीं पीछे की तरफ ये रास्ता है दोस्तों, जिससे आप मंदिर से नीचे आ सकते हो। मंदिर से नीचे आने के दो रास्ते हैं, आप आगे से भी आ सकते हो और यहाँ से पीछे की तरफ से होके भी आ सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे पीछे की तरफ यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर भी कुछ थोड़े से खिलौने के स्टॉल एवं खाने पीने के स्टॉल है। और एक बात का दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर रात में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। तो आप अपना ट्रिप यहाँ पर इसी तरह से प्लान कीजिएगा कि आप यहाँ पर दिन में आके शाम तक यहाँ से निकल जाओ। और दूसरा, यहाँ पर और दो जगह देखने लायक है जिसके लिए हम पीछे की तरफ आए हैं। उसमें से एक जो जगह है जिसे अर्जुन का कुआं कहा जाता है, तो अभी हम जो जा रहे हैं अर्जुन का कुआं है। और यहाँ पर भी रास्ते में इस तरह से एक पूरा शेड लगा हुआ है जहाँ पर आप बैठकर थोड़ा सा आराम कर सकते हो। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये अर्जुन का कुआं है। इसके पीछे माना जाता है कि एक कहानी है कि जब भी पांडव यहाँ पर अज्ञातवास में थे, तभी एक बार द्रौपदी को प्यास लगी थी और अर्जुन ने तीर चलाकर यहाँ से पानी निकाला था। और ये जो आप देख रहे हो, ये इसी कुएं का पानी है। ये हमेशा 24/7 यहाँ पे, देखो ये मंकी इसी में से पानी पी रहा है। ये लिखा है कि पांडव लोग जब वनवास में थे तभी द्रौपदी को प्यास लगी थी और उस वक्त अर्जुन ने यहाँ पर तीर मार के इस जगह से पानी निकाला था। और ये पानी 24/7 आते रहता है। और अभी भी आप देख रहे हो जो पानी है ये ओवरफ्लो होके जा रहा है यहाँ से। अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, ये कंटिन्यूस यहाँ पे मतलब ये ज़मीन में से आ रहा है ये पानी। जनरली हमारे यहाँ पे जो कुएँ होते हैं ना, वो खाली बारिश में ओवरफ्लो होते हैं। ये कुआ हमेशा ओवरफ्लो ही रहता है यहाँ पे। ये तो नॉर्मली क्या गर्मी में जो पानी का लेवल है वो नीचे चले जाता है ना, यहाँ पे ये पानी का लेवल इतना ही रहता है। बारिश में तो बारिश कभी भी ग्राउंड लेवल से तो ऊपर आएगा नहीं, लेकिन गर्मी में तो हम लोग जब पानी यूज़ करें तो नीचे चले जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर कभी लेवल नीचे जाता ही नहीं है।
तो ऐसे तो हमारे भारतवर्ष में दोस्तों ऐसी कई सारी जगह है जिसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हमें पता ही नहीं होता, और उन्हीं में से एक जगह है। और चलिए अभी चलते हैं आगे भीम की घंटी यानी कि भीम की जो आटा चक्की थी जो वो चलाते थे उसकी तरफ। और वहीं तब हमने देखा तो यहाँ के जो लोकल आदिवासी है इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था। सुसू है जमान भैया शू है क्यों शाक है सेव टमाटर नो अच्छा हमें आ દાળ ભાત ને બધું એટલે આમાં થાળી જેવું છે કે પ્લેટ વાઇઝ છે 80 રૂપિયામાં બરાબર કેટલા રોટી આવે છે રોટી તમારે જે ખાવી છે અનલિમિટેડ જેટલા ખા શકો એટલા તું કેટલા ખા પાવગે સોચ લો આ બાજરીનો છે આ સેનો છે રોટલો મકાઈનો મકાઈનો એ જ મે કીધું બાજરી નત લાગતો મકાઈનો રોટલો છે દાલ ભાત રોટી સબ્જી સબ આયેગા અચ્છા યહી પે ખા લેંગે ને આતે ફિર યહી પે ખાતે આ કેટલું આગે છે ભીમની ઘંટી 10 મિનિટ કા વોકિંગ બોલતે 2 કિલોમીટર હે તો જૈસે કે આપને દેખા દોસ્તો યહાં પર યે ખાના કાફી અચ્છા થા પૂરા જો મતલબ ચૂલે કા ખાના થા और यहाँ पे मकई की रोटी थी और बाकी सेव टमाटर की सब्जी फिर बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी और 80 रुपये में अनलिमिटेड था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि अभी रिटर्न में हम यहीं पे खाना खाएंगे और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके भीम की घंटी की तरफ। और लीजिए दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर ये भीम की घंटी की तरफ। दरअसल इसे भीम की घंटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइज़ में इतनी बड़ी है कि इसे कोई ऐसा ही आदमी चला सकता है जिसकी कद काठी भीम जैसी हो, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के बस की ये बात नहीं है। और माना जाता है कि ये जगह वही है जहाँ पर वनवास के समय पांडव रुके थे और यहाँ पर भीम जो है वो आटा पीसा करते थे। और यहाँ पर इसके इन्होंने यहाँ पर साइन बोर्ड पर भी वही लिख के रखा है। और ये दरअसल पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है, आप अगर आसपास में देखोगे तो आपको पूरा जंगल वाला ही यहाँ पे एरिया लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये और एक छोटा सा कुछ आदिवासी लोगों ने मंदिर जैसा बना दिया है। यहाँ पर ऐसी कई सारी मूर्तियाँ हैं जो मिली है और उसी वजह से मान्यता है कि यह जो स्थान है इसका पौराणिक महत्व है। जैसे कि आप देख सकते हो गणपति जी की काफ़ी पुरानी मूर्ति है। तो अभी तक इस जगह के बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को थोड़ा सा रिसर्च करके इस जगह के बारे में और डिटेल निकालनी चाहिए। और ये जो सामने का रास्ता है ये जंगल में अंदर की तरफ जाता है तो बारिश में भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वातावरण बन जाता है। और वहीं जब हमने देखा तो यहाँ के जो लोकल आदिवासी थे वो यहाँ पे जंगलों में मिलने वाली चीज़ें बेच रहे थे जिसमें कुछ आम थे। और साथ ही साथ ये मैंने देखा तो यहाँ पे ये सफ़ेद इमली थी जिसे गंगा इमली भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मनीला टैमरिन कहा जाता है। ये काफ़ी मीठी होती है तो वो भी हमने यहाँ से थोड़ी सी ट्राई की। और वहीं हम पहुँच गए थे अभी हमारे ढाबे पर जहाँ पर हमने हमारे सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। और वहीं कुछ ही देर में सबके लिए खाना आ गया था। और ये है दोस्तों मकई की रोटियाँ जो कि चूल्हे पर बनाई हुई है और इसका स्वाद दोस्तों बिल्कुल अलग ही होता है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ें टेस्ट करते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं। और वैसे तो मेरे बेटे को ऐसे सब रोटले वोटले पसंद नहीं है लेकिन उसको यहाँ पर खाना काफ़ी टेस्टी लगा, उसने भी बड़े प्यार से खाया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये खाना काफ़ी टेस्टी है। और ये है यहाँ की सेव टमाटर की सब्जी। तो ये होटल आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आप भी कभी यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अपना खाना खा सकते हो। तो यहाँ पे खाना हो गया है और देसी चूल्हे पे खाने का भरपूर आनंद भी हो गया है, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यात्रियों के लिए वॉशरूम्स की भी व्यवस्था है। तो हर एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट ना रहे। और अभी दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ चांपानेर और वहाँ पर हम रुकने वाले हैं और साथ ही साथ हम कल सुबह जाने वाले हैं महाकाली के दर्शनों के लिए।
तो अगला जो वीडियो रहेगा ये मेरा चांपानेर का वीडियो रहेगा और साथ ही साथ में पावागढ़ का रहेगा। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहिएगा, और यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।